राम राव जी, आपका स्वागत है अपने पिनकू चट्टा के फिटनेस पे। कैसे हो सारे सारे? आशा करता हूँ सारे सारे ठीक होंगे आप लोग। तो आज है 3 तारीख, जो है आज हमारे गुरुजी का दिन। आज जा रहे हैं अपने गुरुजी के पास मिलने, स्पेशली कुछ बातें भी करनी है और गुरुजी का जो हक है वो भी अदा करने जा रहे हैं। हक तो खैर हमसे अदा कभी जिंदगी में होगा नहीं, फिर भी जो हमसे हो सकता है वो हम कर देते हैं अपने गुरुजी के लिए। हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक है? आज 3 तारीख है, आज हमारे गुरु का स्पेशली दिन है, तो कुछ बातें भी करनी है, ठीक है? और आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, गेनिंग करनी है, डाइटिंग करनी है, तो आज कुछ बातें करनी है गुरुजी से। तो आगे चलते देखते हैं, बताता हूँ आपको क्या करना है, गुरुजी क्या बोलेंगे, क्या करना है, क्या खाना है। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। पहुंचने वाले गुरुजी के पास, आज बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। गुरुजी सर बैठे हुए हमारे, क्योंकि स्पेशली फोन करा गुरुजी निकल रहे थे, मैंने फोन करा मैंने गुरुजी मैं आ रहा हूँ, तो कह रहा ठीक है आ जा। तो गुरुजी पास जा रहे हैं, बस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर रह रहा है, बाकी चलते हैं, बुलवाते हैं अपने स्वीट गुरुजी से, स्मार्टी बॉय से। गुरुजी की जिम दिखाएंगे, बहुत सी लोगों ने देखी हुई है जिम मेरे से, बाकी एक बार दिखाएंगे और चलते हैं। जिम बहुत बड़ी होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो गुरुजी की जिम है बिना बोर्ड के, बिना वैसे सिर्फ गुरुजी का नाम है, लोगों का प्यार है, जो हम दूर से आते हैं और भी लोग भाई लोग बहुत दूर से आते हैं, आओ दिखाते हैं गुरुजी को। चलो तो भाई डायरी में भी केक मिला रहा है, बंदा देख लो। वाह व्हाट अ सेक्सी केक, तुम्हारे मतलब कल आया हो। बने रहो बने रहो, ये मान सम्मान सबसे घर के हक हुई है। प्यार की खुशबू डायरी कर रहा थी क्या कोई तुम्हारे ज़्यादा प्यारा है, इसका प्यार, इसका मान, इसका सम्मान। बस का नाम है सैंडी बसर टाइगर, इज द ब्रांड। दे रहे सब कुछ है भाई, ठीक है? तो कई लोग प्यार करने वाले होते हैं, कई हेट करने वाले होते हैं, जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो बढ़िया है। और मेहनती भी है, अपना जिम भी संभालता है, प्लस जिम संभालने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी करता है, अपनी क्रैप भी करता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो खुद अपना सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने आप करते हैं, अपना जिम संभालते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे करता हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है प्रैप करनी, और डे और नाइट लगा रहता है कि यार कैसे हो कैसे ना हो। और जिस टाइम हम प्रैप करते हैं हमारा काम बहुत सफल करता है उस टाइम, सीरियसली बताऊँ तो। हम शायद बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाते, तो उस चीज़ के लिए बच्चों से, सभी बच्चों से सॉरी है, क्योंकि भाई प्रैप के अंदर कुछ और दिमाग होता है, प्रैप नहीं करते उसके अंदर कुछ और दिमाग होता है, तो ध्यान नहीं देते। तो ये मत सोचो कि हमारे अंदर ईगो आ गया, यही आ गया, आप लोग के अंदर कईयों के अंदर होगी भाई बच्चों के, भाई के घमंड आ गया, भाई देख ही रहे ये हो, बट ये ऐसा नहीं होता। ट्रैप के अंदर इंसान खाना नहीं खाता है तो बोल कैसे पाएगा, सोडियम नहीं है तो कर कैसे पाएगा। उसके लिए जो वो एक्सरसाइज कर रहा है वही बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि भाई आना जिम एक्सरसाइज करना, भाई डाइट बनाना, अपनी मील लेना टाइम पे, नींद तो खैर भूल नहीं जाओ, बस अपनी मील ले लें बंदा, वही बहुत होता है। तो इस चीज़ को मैं सबके लिए बोलूँगा कि भाई कोई जो भी ट्रैप कर रहा है उस बंदे के लिए ये ना सोचे कि यार ये बॉडी बन गई तो इसके लिए इसके अंदर घमंड आ गया, बात नहीं कर रहा, ये है वो है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। उनों की कंडीशन समझो, उनों के ऊपर क्या बीत रही है वो समझो, और सीरियसली मैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिखता है, अपना कॉम्पिटिशन दिखता है, अर्निंग वर्निंग घर बार दियार दोस्त कुछ नहीं दिखता है। तो इसको घमंड नहीं बोलेंगे, इसको उसका गोल देखेंगे,
कि उसका गोल क्या है और उसने गोल की तरफ भाग रहा है, तो मैं कहूँगा ऐसे में घमंड ना बोल के उन लोगों को सपोर्ट करो बस इतना ही, और उनके लिए प्यार बनाओ, जैसे सपोर्ट कर सकते हो वैसे सपोर्ट करो, उनके लिए प्यार बनाओ बस।